मतदान से पहले साक्षी महाराज का बयान, विपक्ष दल के सांसद ही नहीं बनेंगे, नहीं देख पाएंगे लोकसभा का मुंह तो उनकी बहस का क्या। चर्चाओं में रहने वाले साक्षी महाराज एक बार फिर मतदान के वक्त बड़ा बयान दिए हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर वो लगातार वायरल हो रहे हैं। यह पहली मरतबा नहीं है कि साक्षी महाराज विवादित बयान दिए हैं, वो अक्सर लगातार विवादित बयान देते आए हैं। अब ऐसे में साक्षी महाराज ने कहा है कि आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी और हमारे शेर के आगे इनकी हिम्मत भी नहीं जो ये बहस करेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि कांग्रेस ने सदन तक नहीं चलने दिया, जब भी मुद्दे की बात होती थी तो वे सदन छोड़कर चले जाते थे। रही बात जनसंख्या, तो नियंत्रण तो अवश्य ही चाहिए, और साथ ही विपक्ष की बात करें तो जब ये सांसद ही नहीं बनेंगे तो लोकसभा का मुंह ही नहीं देखेंगे तो इनकी बहस का क्या। अब आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं थी, कांग्रेस ने हाउस नहीं चेंज किया, और जब कोई मुद्दे की बात होती कि हाउस छोड़कर के भाग जाते थे तो खुली चुनौती देने वाले दर्शक हैं, प्यार हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे शेर के आगे खड़े हो सके। अगर हिम्मत है और ये मैं कैसे कहूँ कि ये आकर के हमसे बहस करेंगे, तो ये MP नहीं बनेंगे, लोकसभा का मुंह ही नहीं देखेंगे, तो ये बहस करने का क्या मतलब है। अब मतदान के वक्त यह बयान साक्षी महाराज विपक्ष के खेमे का क्या असर डालता दिखेगा, यह देखना होगा। बता दें कि उन्नाव से BJP उम्मीदवार हैं साक्षी महाराज, और अब यह बयान निश्चित तौर पर विपक्ष पर जम करके हमला किया है, और अब इंतजार है एक्शन पर रिएक्शन का, क्योंकि विवादों में घिरे रहने वाले साक्षी महाराज का एक और बयान और साफ तौर पर जहां वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं देख पाएंगे लोकसभा का मुंह तो इनकी ये बहस का क्या। और बीते 5 सालों में विपक्ष दल ने कभी भी किसी भी सदन को नहीं चलने दिया है, और साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार जनसंख्या नियंत्रण की जो बात हो रही है तो नियंत्रण तो अवश्य ही चाहिए। क्या कुछ है आपकी राय कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं।